6 MNS न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। 62 घंटे मलबे में दबे रहने के बावजूद इंसान जिंदा। कर्नाटक के धारवाड़ा में बांध काम शुरू था, वो इमारत गिर गई। इस दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे को 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन बाद बिल्डिंग के मलबे से एक कर्मी को सही सलामत बाहर निकाला गया। उसके साथ और कुछ लोग उस मलबे में नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक धारवाड़ा यहाँ एक बिल्डिंग का काम शुरू था जो 19 मार्च 2019 को धराशायी हो गई। तब से वहाँ बचाव कार्य शुरू है। सोमू नाम का एक व्यक्ति उस मलबे के नीचे तकरीबन 62 घंटे तक फंसा रहा, जिसे गुरुवार को उस मलबे से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस ने इमारत बांधने वाले को गिरफ्तार किया है, साथ ही चारों मालिकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।